हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, घर के आसपास मिलने वाली इस घास को भूल के भी ना समझे बेकार, इसके फायदे जानकर दंग रह जाएंगे आप। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रकृति ने अपने खजाने से हमेशा हमें भरपूर दिया है, बस हम उसे पहचानते नहीं। पहले के लोगों को जड़ी बूटी का बहुत ज्ञान होता था, लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगा। मगर अभी भला हो कुछ ऐसी समाज सेवी संगठनों का जिन्होंने अभी भी इसे दोबारा पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको इस जंगली घास के बारे में बताऊंगी। ये अक्सर ही खाली पड़ी जमीन पर उगाती है और हम इसे खरपतवार समझकर फेंक देते हैं। इस जंगली घास को भारतीय भाषा में लोनी, बड़ी लोना, लोना साग, खुरसा, कुल्फा, लुनाक, घोल, लोनक इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसकी जड़ 25 साल तक नहीं मरती और बारिश में या पानी मिलने पर दोबारा हरी होकर फैल जाती है। जो जड़ 25 सालों तक खत्म नहीं होता, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर होती होगी। इसकी पत्तियों में गजब के स्वास्थ्य लाभ समाये हुए हैं। इसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर है। ये हमारी संपूर्ण हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये घास सभी हरी सब्जियों से बढ़कर है। हरी सब्जियों में अगर किसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा इसके ही अंदर मिलते हैं। इसके पत्तों में सभी हरी सब्जियों से ज्यादा विटामिन ए मिलता है, जो कि कैंसर जैसे भयंकर रोगों में लड़ने में बहुत अधिक उपयोगी है। और ओमेगा 3 होने के कारण ये हृदय रोगों से बचाता है। ये घास कैंसर, हृदय, खून की कमी, हड्डियों की मजबूती और यूं कहें तो संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाती है। इसका स्वाद नींबू जैसा खट्टा होता है और ये थोड़ी कुरकुरी होती है। आप इसे रेगुलर सलाद में खा सकते हैं। इसका सेवन करने से ये हमारी ऊर्जा की लेवल को बढ़ा देती है, ताकत को बढ़ाती है। ये बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये बच्चों में ऐसी पोषक तत्व डालती है जिससे बहुत सारी बीमारियों से राहत मिल जाती है। आयुर्वेद में इसे सर के रोग, आँखों के रोग, कानों के रोग, मुख्य रोग, त्वचा रोग, थूक में खून आना, पेट के रोग, मूत्र के रोग, बीमारी और जहर उतारने के लिए किया जाता है। इसकी सलाद, सब्जी या इस पूरे पौधे का काढ़ा बनाकर भी पिया जा सकता है। आप भी अगर इस घास को आपने अपने घर के आसपास देखते हो, तो इसे बेकार ना समझें और इसका प्रयोग करें सलाद के रूप में या काढ़ा बनाकर या फिर सब्जी बना के। इससे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ही स्वस्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।